अल हिल्लज मंसूर या मंसूर अल हलाज एक ऐसे सूफी थे जिनका अंग अंग काट दिया कुछ धार्मिक लोगों ने, क्योंकि वे ऐसी बातें कह रहे थे जो उनके प्रसिद्ध धर्म ग्रंथों के खिलाफ थी, ना कि उनके धर्म के खिलाफ। मगर क्या करें, किताबें बड़ी छोटी हैं, उनमें धर्म समाता ही नहीं है। अल हिल्लज मंसूर की सिर्फ एक ही आवाज़ थी, मैं खुदा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, और या कहना उन धार्मिक लोगों के बर्दाश्त से बाहर था कि कोई अपने को ईश्वर कहे। उन धार्मिक लोगों ने उसे इस तरह सता के मारा जिस प्रकार आज तक दुनिया में कोई भी नहीं मारा गया होगा। उस दिन कई घटनाएं घटी जिसमें मंसूर का गुरु जुनैद, जो सिर्फ गुरु ही रहा होगा क्योंकि उस तरह के गुरु दर्जनों में खरीदे जा सकते थे, ऐसे गुरु आपको हर जगह मिल जाएंगे, गांव गांव मिल जाएंगे, शहर शहर मिल जाएंगे, कुछ भी अंट संट बक देते हैं, कान में फूंक देते हैं और बन जाते हैं गुरु। जुनैद अल हिल्लज से कह रहा था, भले ही तुझे ऐसा महसूस होता हो कि तू खुदा है, पर ऐसा कह मत। लेकिन अल हिल्लज यानी मंसूर अल हलाज कहता कि यह मेरे बस से बाहर है, क्योंकि जब मैं मस्ती में छाता हूँ तो मुझे कुछ भी होश नहीं रहता, ना मुझे तुम याद रहते हो, ना ये दुनिया के लोग याद रहते हैं। मैं अपनी मस्ती में खो जाता हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ना तो मुझे दुनिया याद रहती है, ना तो जीवन याद रहता है, ना ही मुझे मौत याद रहती है। वैसे यह पहली बार नहीं था, न जाने कितनी बार ऐसी घटनाएं घटी होंगी, लेकिन इस दुनिया में जिसने किसी भी तरह का आध्यात्मिक पागलपन दिखाया उसे हमेशा सताया गया है। मंसूर अल हलाज भी ऐसे ही सूफी संत थे। कहते हैं मंसूर अल हलाज जब तक जीवित रहे विवादों ने उनका पीछा ही नहीं छोड़ा। वैसे उन्होंने दावा किया था कि मैं ही सत्य हूँ जिसे धर्म विरोधी माना गया, और इस कारण उन्हें 55 साल की उम्र में बड़ी बेरहमी के साथ मौत की सजा दे दी गई। हालांकि सच्चे ईश्वर प्रेमी समझते थे कि उनके यह कहने का क्या मतलब है, और वे लोग मंसूर का बहुत ही आदर किया करते थे और आज भी करते हैं। पर उन दिनों की बात है जब मंसूर बगदाद में थे, अपने सूफी गुरु जुनैद से उन्होंने कई विवादास्पद सवाल किए, लेकिन जवाब देने के बजाय जुनैद ने कहा, एक समय ऐसा आएगा जब लकड़ी के एक टुकड़े पर तुम लाल धब्बा लगाओगे। उन्होंने इस बात से इशारा कर दिया था कि एक दिन मंसूर को फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाएगा। वैसे इन बातों का मंसूर पर कोई असर नहीं होता था। मंसूर ने जवाब दिया, जब ऐसा होगा तो आपको अपना सूफी चोला उतार कर एक धार्मिक विद्वान का चोला धारण करना होगा। यह भविष्यवाणी तब सच हुई जब मंसूर की मौत का हुक्मनामा तैयार किया गया और जुनैद से उस पर दस्तखत करने को कहा गया। हालांकि जुनैद दस्तखत नहीं करना चाहते थे, लेकिन बगदाद के खलीफा इस बात पर अड़ गए कि जुनैद को दस्तखत करने ही होंगे। खैर, जुनैद ने अपना सूफी चोला उतार दिया और एक धार्मिक विद्वान की तरह पगड़ी और अंगरखा पहनकर इस्लामिक अकादमी पहुंचे। वहां उन्होंने यह कहते हुए मौत के फरमान पर दस्तखत किए कि हम मंसूर हलाज के बारे में फैसला सिर्फ बाहरी सत्य के आधार पर कर रहे हैं, जहां तक भीतरी सत्य की बात है तो इसे सिर्फ खुदा ही जानता है। क्योंकि उस समय हर व्यक्ति जानता था कि मंसूर जो कह रहा है वह सत्य है, और मंसूर ने जो यह कहा कि वह ईश्वर है, वह खुदा है, यह भी सत्य है। जुनैद से मिलने के बाद अगले 5 साल तक उन्होंने एक उच्च आध्यात्मिक अवस्था में मध्य एशिया और ईरान के कई इलाकों की यात्रा की। विद्वानों और आम लोगों दोनों ने ही उनकी शिक्षाओं और प्रवचन को हाथों हाथ लिया और उनकी भरपूर प्रशंसा की। अपनी तीखी परख के कारण वे हलाज यानी रहस्यों के उस्ताद के रूप में जाने गए। वे बसरा से मक्का तीर्थ यात्रा पर गए, लेकिन यहाँ उन पर जादूगर का ठप्पा लगा दिया गया। इसके बाद वह भारत और चीन की यात्रा पर निकल पड़े, जहाँ उन्हें एक प्रबुद्ध गुरु के रूप में पहचान मिली। उन्होंने मक्का की अपनी दूसरी हज यात्रा की और वहाँ 2 साल तक रहे, लेकिन उनके आध्यात्मिक सीख बांटने के तरीकों में एक बड़ा बदलाव आ चुका था। उनकी शिक्षाएं अब बहुत गुण हो चुकी थी, और मैं ही सत्य हूँ का दावा करके वे लोगों को एक ऐसे सत्य की ओर आकर्षित करने लगे थे जो शायद कुछ लोग समझ नहीं सके। उनके द्वारा किए गए चमत्कारों के बारे में कई किस्से फैलने लगे। लोग उनके बारे में तरह तरह की राय रखने लगे। कहा जाता है कि मैं ही सत्य हूँ के धर्म विरोधी दावे की वजह से उन्हें करीब 50 इस्लामिक शहरों से खदेड़ दिया गया। कहा जाता है कि मक्का की दूसरी हज यात्रा पर करीब 4,000 लोग मंसूर के साथ गए थे। पूरे 1 साल तक वह काबा के सामने नंगे पैर और नंगे सिर ऐसे ही खड़े रहे। रोज एक आदमी उनके सामने कुछ रोटियां और एक जग पानी रख जाता, लेकिन कभी कभार ही ऐसा हुआ कि
कि हलाज ने उन रोटियों और पानी को हाथ लगाया। नतीजा हुआ कि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा भर रह गया। बगदाद से वापस आने पर कट्टरपंथी धार्मिक लोगों ने उन पर धर्म विरोधी होने का आरोप लगाया और उन्हें एक साल के लिए जेल में डाल दिया। जेल में शुरू के 6 महीनों तक लोग लगातार उनसे सलाह लेने आते रहे, लेकिन जब खलीफा को इस बात का पता चला तो उसने हुक्म दिया कि हलाज से कोई नहीं मिल सकता। जिस जेल में हलाज को बंद किया गया था उसमें 300 कैदी थे। एक रात मंसूर ने उन कैदियों से पूछा कि क्या आप लोग जेल से आजाद होना चाहते हैं। कैदियों के हाँ कहने पर मंसूर ने अपनी उंगली से एक रहस्यपूर्ण इशारा किया। अचानक सभी हथकड़ियां और ताले टूट गए और जेल के दरवाजे खुल गए। सारे कैदी जेल से भागने लगे, लेकिन हलाज नहीं भागे। भाग रहे कैदियों ने हलाज से जब उनके नहीं भागने का कारण पूछा तो हलाज ने जवाब दिया, मेरा मालिक के साथ कुछ गुप्त मामला चल रहा है जिसका खुलासा सिर्फ फांसी के तख्ते पर ही हो सकता है। मैं अपने मालिक यानी खुदा का कैदी हूँ। इस घटना के बाद खलीफा ने उन्हें मौत की सजा सुना दी। कहा जाता है कि बगदाद में 1,00,000 लोग उनकी फांसी को देखने के लिए इकट्ठे हुए। 500 कोड़े मारने के बाद उनके हाथ पैरों को काट दिया गया, उनकी आंखें निकाल ली गईं और जीभ को भी काट दिया गया। उनके छत बिछत शरीर को ऐसे ही तड़पने के लिए छोड़ दिया गया। कुछ समय में ही उनकी मौत हो गई। जब जल्लाद ने उनका सिर काटा तो उनके धड़ से खून की धार फूट पड़ी और तेज आवाज आई, मैं सत्य हूँ। अचानक उनके शरीर से कटा एक एक अंग चीखने लगा, मैं ही सत्य हूँ। इसके बाद उन पर उंगली उठाने वालों को एहसास होने लगा कि उन्होंने खुदा के एक लाडले की हत्या कर दी है। मंसूर भारत में धर्म ग्रंथों और उन चीजों को सिखाने आए थे जो वे जानते थे। वे बस इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करते थे, लेकिन जब वह गुजरात और पंजाब पहुंचे तो उनकी मुलाकात कुछ ऐसे सच्चे आध्यात्मिक दीवानों से हुई जो परम आनंद की एक अलग ही अवस्था में थे। जब वह वापस लौटे तो बस एक लंगोटी पहने हुए थे। वैसे मंसूर जिस समाज से आते थे उसमें अगर कोई आदमी केवल लंगोटी पहने हुए यूं ही सड़कों पर घूमता दिखे तो उसे घोर पागल समझा जाता था। अपने भीतर परम आनंद का अनुभव कर रहे हलाज ने कहना शुरू कर दिया, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कोई नहीं हूँ। इसके बाद वह पागलों की तरह सड़कों पर नाचने गाने लगे। वैसे जब आप परम आनंद की अवस्था में होते हैं तो आपके व्यक्तित्व का ढांचा जो सख्त होता है वह ढीला पड़ जाता है। मानो भट्टी में पूरी तरह पका हुआ मिट्टी का बर्तन फिर से कच्ची मिट्टी का बर्तन बन जाए, वह फिर से नरम और लचीला हो जाता है। आप उसे जैसा चाहें फिर से एक नया रूप, एक नया आकार दे सकते हैं। अगर कभी आपने महसूस किया है कि जब लोग मस्ती में होते हैं तो वे बहुत लचीले हो जाते हैं और जब नाखुश होते हैं तो आप बहुत सख्त हो जाते हैं, बिल्कुल लकड़ी की तरह। जब लोगों ने देखा कि मंसूर पर पागलपन सवार हो गया है तो उन्होंने उनसे दूरी बनाना शुरू कर दी, पर उन्होंने उनका विरोध नहीं किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा मैं खुदा हूं तो उन पर तमाम तरह के आरोप लगाए जाने लगे। वह मक्का जा पहुंचे। वहां हर कोई काबा के चक्कर लगा रहा था। उन्होंने सोचा कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों है, हर कोई यहीं क्यों चक्कर लगा रहा है। उन्होंने वहां से हटकर पास की एक गली में एक और पत्थर की स्थापना कर दी। संभवतः उन्होंने उस पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा कर दी थी। उन्होंने देखा कि उन दोनों जगहों की ऊर्जा एक जैसी थी। फिर उन्होंने लोगों से कहा काबा में बहुत ज्यादा भीड़ है, सबको उसी एक जगह पर घूमने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ लोग इस पत्थर के चारों ओर भी घूम रहे हैं। बस इतना कहना काफी था। इसके लिए मंसूर को भयंकर सजा दी गई, उनकी खाल उधेड़ दी गई, उन्हें कमर तक जमीन में गाड़ दिया गया और उस जगह के खलीफा ने हुक्म दिया कि जो कोई भी उस गली से गुजरेगा उसे उन्हें पत्थर मारना ही होगा, बिना उन्हें पत्थर मारे आप उस गली से नहीं गुजर सकते। जब उनका एक करीबी दोस्त उधर से गुजरा तो उसे भी उन पर कुछ फेंकना था। उसकी जब पत्थर फेंकने की हिम्मत नहीं हुई तो उसने उनकी एक और फूल फेंक दिया। तभी मंसूर के मुंह से एक कविता फूट पड़ी जिसमें उन्होंने कहा मुझ पर फेंके गए पत्थरों ने मुझे कष्ट नहीं दिया क्योंकि उन पत्थरों को अज्ञानी लोगों ने फेंका था, लेकिन तुमने जो फूल मुझ पर फेंका इससे मुझे गहरी तकलीफ हुई है क्योंकि तुम तो ज्ञानी हो और फिर भी तुमने मुझ पर कोई चीज फेंकी। इस दुनिया में जिसने भी किसी तरह का आध्यात्मिक पागलपन दिखाया है उसे हमेशा सताया गया है। कहा जाता है कि मौत की सजा मिलने से पहले अपने पुत्र को मंसूर हलाज ने आखिरी सीख दी थी। उन्होंने कहा पूरी दुनिया मानती है कि नैतिक व्यवहार खुदा की ओर ले जाता है। हलाज कहते हैं लेकिन खुदा की कृपा पाने की कोशिश करो, अगर तुम्हें उसकी कृपा का एक कण भी मिल गया तो वह देवताओं और इंसानों के तमाम भलाई के कामों से ज्यादा कीमती है। 20 साल तक मंसूर हलाज एक ही फटा चिथड़ा सूफी चोला पहने रहे। एक दिन उनके कुछ चेलों ने उनके उस चोले को जबरदस्ती उतारने की कोशिश की ताकि उन्हें नए कपड़े पहना सकें। जब पुराने चोले को उतारा गया तो पता चला
कि उसके भीतर एक बिच्छू ने अपना बिल बना लिया है। हलाज ने कहा, यह बिच्छू मेरा दोस्त है जो पिछले 20 साल से मेरे कपड़ों में रह रहा है। उन्होंने अपने चेलों से जिद की कि तुरंत उनके पुराने चोले और उस बिच्छू को बिना नुकसान पहुंचाए उन पर वापस डाल दें। वैसे मंसूर हलाज को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उन्होंने एक पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा कर दी थी। इसलिए मार दिया गया कि उन्हें यह ज्ञान हो गया था कि वह ही सत्य है। उनका यह कहना कि अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ही खुदा हूँ, सिर्फ इसलिए उन धर्म विरोधियों ने उन्हें मार दिया। वैसे किसी के जाने के बाद ही उसकी कीमत का पता चलता है। तो मंसूर के जाने के बाद लोगों को यह एहसास हो गया कि मंसूर कोई भ्रम नहीं बल्कि वास्तव में मंसूर खुदा थे। तो दोस्तों, आपको अल हिल्लज मंसूर या मंसूर अल हलाज के बारे में जानकर कैसा लगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।